गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर्स के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में। और हियर वी हैव द चैप्टर दैट इज़ मॉलिक्यूल्स। जैसा हमने डिस्कस किया था कि आपका जो एनुअल का सिलेबस आ रहा है दैट कम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नंबर 4। ओके, चैप्टर नंबर 3 है हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल और चैप्टर नंबर 4 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो सिर्फ ये दो चैप्टर ही आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो बात करने वाले हैं अभी दैट इज़ अबाउट आर फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके। इन दिस प्रॉब्लम वी डिस्कस सम ऑफ द की पॉइंट्स। ओके, हियर व्हाट इज एनी रिएक्शन, कि हमारे पास कोई रिएक्शन है एंड इट हैज़ 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ओके, रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। ऑल राइट, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 5.3 ग्राम हो गया सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम हो गया एथेनोइक एसिड एंड द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे हमारे पास 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोइट। ओके, अब ये कह रहे हैं शो दीज ऑब्जर्वेशंस आर एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो बिफोर वी गो थ्रू दिस चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस लॉ सेज और इट टॉक्स अबाउट और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। ओके, सिंपल वन, ये लॉ कहता है कि जो मास होता है, मास इन ए केमिकल प्रोसेस, इन ए केमिकल प्रोसेस remains conserved। That's mean कि किसी भी एक केमिकल प्रोसेस के अंदर जो मास होगा वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। That's mean हम सिंपल बोल सकते हैं इस जगह पर जो हमारे पास है कि जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ यूज होती है दैट इज कॉल्ड द रिएक्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट है और दूसरा है हमारे पास एथेनोइक एसिड। दिस बोथ आर नोन एज रिएक्टेंट बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जा रहे हैं। ठीक, फिर जो रिएक्शंस के बाद जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो सोडियम एथेनोइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शंस के अंदर जो स्टार्टिंग मटेरियल है, जो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा दैट इज़ नोन एज रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होकर आएगा फाइनल प्रोडक्ट तो उसे हम बोलेंगे जो फाइनल होगा सब्सटेंस दैट विल बी नोन एज प्रोडक्ट। ओके, नाउ सी, ये रहा हमारे पास एथेनोइक एसिड, ये रहता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट करेंगे तो हम जानते हैं हमारे पास जो सोडियम कार्बोनेट था वो था 5.3 ग्राम, ओके, एंड जो हमारे पास एथेनोइक एसिड था दैट वाज 3 ग्राम। फिर हमने देखा था सोडियम एथेनोइट फॉर्म हो रहा है दैट वाज 8.2 ग्राम, और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें वाटर तो वो था 0.9 ग्राम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी दैट वाज 2.2 ग्राम। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो प्रोडक्ट का मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द रिएक्टेंट एंड द रिएक्टेंट इक्वल टू द प्रोडक्ट। यानी कि जो अगर इसका मास टोटल हम निकालें वो एक्स है तो जो प्रोडक्ट का मास आएगा वो भी एक्स ही होना चाहिए, यानी कि दोनों का मास एकदम इक्वल रहे, उसे ही बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास रहा रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट, इसमें क्या है, हमने ले लिया 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम एथेनोइक एसिड, और हमारा टोटल बैठता है 11.3 ग्राम। ओके, ऑल राइट, अब देखते हैं हम प्रोडक्ट। तो हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास मास ऑफ प्रोडक्ट देखेंगे हम, तो इसमें 2.2 ग्राम हमारे पास आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम आ जाता है हमारे पास वाटर एंड 8.2 ग्राम हमारे पास आ जाता है सोडियम एथेनोइट। अब इसको अगर हम टोटल करें तो हमारा टोटल आता है 11.3 ग्राम। दैट्स मीन इस पूरी प्रोसेस के अंदर, इस केमिकल प्रोसेस के अंदर द मास ऑफ द रिएक्टेंट इज
completely equal to the mass of the product, that's we can say ke mass of the reactant equal to the mass of the product. Therefore, we can say the law of conservation of mass is proved right. तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो law of conservation of mass है वो सही साबित हो जाता है. तो that's why ये question क्या होता है यहाँ पर solve हो जाएगा. तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाना होता है कि हमने क्या किया है, यहाँ पर जो reactant का mass होगा वो हम add करके उसका total निकाल लेंगे, और जो product का mass होगा उसको हम जब ऐड करेंगे किसी भी केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो इन दोनों का मास एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए. और इसी जगह पर हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शंस जो हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रूव्ड हो जाता है अगर ये इक्वल आता है तो. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर कि बिफोर रिएक्शन आपने क्या किया, कोई एक रिएक्शन करवाई जिसके अंदर आपने सबसे पहले कोई रिएक्शन करवाने से पहले जो भी रिएक्टेंट था उसे लिया और उसको मेज़र कर लिया. उसके बाद आप रिएक्शन कराते हैं, और रिएक्शन कराने के बाद जब आप उसे मेज़र करेंगे तो दोनों ही कंडीशन में आप पाएंगे कि ये मास जो होगा दोनों का बराबर होगा. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ओके, हियर इट इज, वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8. हम जानते हैं ये मास का रेशियो अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करता है 1:8 टू फॉर्म वाटर, और ये वाटर फॉर्म कर लेगा. ठीक, मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस. यानी कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आपको ये बताना है. हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमको कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करें तो, या फिर 3 ग्राम हाइड्रोजन एज अ रिएक्टेंट हम यूज़ करें. तो आप इसको सिंपली समझ सकते हो, जैसे सिंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, और ये कितने कम रेशियो में करा रहे हैं, 1:8 में. ठीक, तो अब यहाँ पर देखोगे अगर आपके पास हाइड्रोजन का मास 3 है तो ये 3 है किसकी जगह पर, हम रख देते हैं यहाँ पर 3:1, और फिर क्या करना है, इतने ही मॉलिक्यूल इसी रेशियो के कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के, तो हम यहाँ पे कर देंगे 3:8. ठीक, तीनों दोनों ही साइडों में हम 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, और हमारा आंसर क्या आएगा, 3:24. दैट्स मीन अगर हम बात करें 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 24 ग्राम ऑक्सीजन के साथ. तो ये बिल्कुल सिंपल, आप इस रेशियो में जो भी वैल्यू है उसे रख कर निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये बिल्कुल इजीएस्ट प्रॉब्लम थी, यू कैन सॉल्व दैट वेरी वेल. ओके, नेक्स्ट थिंग, द क्वेश्चन नंबर 3, इट इज टॉक अबाउट कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रखी है, तो विच पोस्टुलेट इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का को कौन सा वाला पोस्टुलेट क्या करता है, प्रूव करता है. ओके, तो आप पोस्टुलेट में आपने देखा होगा कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड, कि ना ही एटम को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब हम जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, सपोज करो ये रिएक्टेंट है और ये दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, ए बी बना लेंगे. ठीक, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन तो कर सकते हैं, लेकिन ना ही हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. दैट्स वाई मास क्या रहता है हमेशा, अगर इसका मास वन होगा और इसका मास 2 होगा तो हम देखेंगे टोटल मास जो आएगा हमारा 3 आ जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर एटम्स जो थे उनका मास जो था वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है. यानी कि उसे ना ही हम क्रिएट कर पाएंगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, सिर्फ हम वन फॉर्म टू इधर जो भी फॉर्म होगी उस फॉर्म को दूसरी फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं. इस वजह से उनके मास पर या उनका जो फॉर्म होती है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो कॉम्बिनेशन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर. लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट. ओके,
नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस पर हम ध्यान देंगे. ओके, विच पोस्टुलेट ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट बताता है. तो इसके अंदर आपने देखा है कि एटम कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो, दिस इज व्हाट, इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, यानी कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म कंपाउंड विच कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और यही बताता है हमको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. अब इसको हम कुछ इस तरीके से देखेंगे. सपोज करो मेरे पास कार्बन है और मैं इसे बर्न करता हूँ ऑक्सीजन के साथ और मुझे बनाना है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप देखोगे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा. तो हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होना चाहिए 1:2. अगर ये कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है तभी मैं इसको बोलूँगा कि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक, तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एटम्स कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में, तभी क्या होता है, जो पार्टिकुलर जिस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं वो कंपाउंड फॉर्म होगा. अब सपोज करो कि अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कार्बन कंबाइन होता है और अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, सी ओ बनकर आ जाए. सपोज करो तो यहाँ पर रेशियो क्या है, 1:1. दैट इज़ वॉट, कि ये क्या है, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड आया वो क्या आया, कार्बन मोनोऑक्साइड. क्या हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. क्यों, क्योंकि इसका रेशियो अलग है और इसका रेशियो अलग है. तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं वो एक फिक्स रेशियो में जुड़ने के बाद क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं एक गिवन कंपाउंड का. ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज पेज नंबर 35 पर. यहाँ पर आपको दिया है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी भी एटम की एटॉमिक मास यूनिट क्या है. तो हमने इसके बारे में स्टडी किया था कि इट इज़ डिफाइंड एज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12. जैसे हम आइसोटोप्स के बारे में हमने स्टडी की थी तो हमने देखा था कि कार्बन के कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं. तो एक तो होता है, हमने देखा कि यहाँ पर 3 होंगे तो एक होगा 12, एक होगा 13 और एक होगा 14. ओके, जिसके अंदर आप देखोगे कि 14 वाला एक रेडियो एक्टिव है, तो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम एक मिनट को निकाल देते हैं. फिर बात करते हैं 13, ये बहुत कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है. तो नॉर्मली जो हमारे या फिर हमें कह सकते हैं कि अवेंडेंस में जो पाया जाता है वो C12 पाया जाता है. C12 से कि कोई एक एटम का 1/12 पार्ट इक्वल टू क्या होगा, इट इज कॉल्ड द यूनिफाइड मास डिनोटेड बाय यू. और इसको दिखाते हैं हम यू से. यहाँ से फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ सकते हैं इसको कि आपके पास क्या है, आपने कंपेयर करना है किसी एटम का मास, सो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12. इस फॉर्मूले को लगाकर हम क्या करेंगे, एक किसी भी एक एटम के मास को क्लियरली निकाल सकते हैं. तो दिस इज वेरी इजीएस्ट वन बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट इट. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसे देखने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आएगी, अभी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, let's see why is not possible to see an atom with a naked eyes, yani ke naked eyes se hum kyu nahi dekh sakte ek atom ko. Okay, that is what, ki the size of an atom is so small that it is not possible to see it with naked eyes, yani ke hum bina kisi cheez ka istemal kare ise apni aankhon se nahi dekh सकते. Also, the atom of an element does not exist independently. और ना ही क्या होगा कि जो atoms हैं किसी भी elements के वो independently exist करते हैं, यानी कि वो अकेले नहीं रहते. तो इस वजह से क्या होता है कि हम इनको देख नहीं पाते because they are very very small
और ना ही वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडली, तो इस वजह से हम इनको नहीं देख पाते. बट व्हेन दीज एटम्स कंबाइन विथ ईच अदर और एग्रीगेट विथ ईच अदर, तो दे टेक अ फॉर्म ऑफ वेरी बिग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दीज मैक्रो मॉलिक्यूल और एग्रीगेशन पीस ऑफ थिंग इज सीन, कैन सीन बाय द आर आईज. सो उस केस में हम क्या देखेंगे कि हम बड़े बड़े हिस्सों को हम देख पाते हैं, जब क्योंकि वो बहुत सारे एटम एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करके बड़े बड़े पीसीस बना लेते हैं, जैसा कि हम अपने चारों ओर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था, तो थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन और कर देते हैं. हम जानते हैं सोडियम, ओके, एंड देयर इज ऑक्सीजन. हम देखते थे सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है वन, और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होता है वो भी टू. अब क्या करते थे हम, इसका चार्ज इसके नीचे रखेंगे और इसका चार्ज इसके नीचे, एंड देन वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर आएगा Na2O, और यही क्या है, ये फॉर्मूला है सोडियम ऑक्साइड का. अगर हमको एल्युमिनियम का बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम के लिए यूज़ करते हैं राइट हियर एल्युमिनियम, और दिस इज क्लोरीन. क्लोरीन हैज़ द वन नेगेटिव चार्ज एंड द एल्युमिनियम हैज़ द थ्री पॉजिटिव चार्ज. तो हम यहाँ पर थ्री रखेंगे, यहाँ पर वन रखेंगे, एंड वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमारे पास फार्मूला आएगा AlCl3, ठीक, और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड का. अब यहाँ पर हमारे पास अगला है सोडियम सल्फाइड. ओके, तो इन द केस ऑफ सोडियम सल्फाइड व्हाट यू सी के राइट हियर वी हैव समथिंग दैट इज सोडियम सल्फाइड. तो सोडियम सल्फाइड के केस में आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर सल्फाइड है और ये रहा हमारे पास सोडियम. हम जानते हैं सोडियम हैज़ द वन पॉजिटिव चार्ज एंड द सल्फाइड हैज़ टू नेगेटिव. व्हेन दीज बोथ विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर देन वी फाउंड हियर Na2S. ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी एक मॉलिक्यूल में, इन ए मॉलिक्यूल, ठीक, द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू ईच अदर. दैट्स वाई मॉलिक्यूल आर मोस्टली न्यूट्रल और मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रल. ठीक, तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज दे हैव द इक्वल चार्जेस, द इक्वल नेगेटिव चार्ज एंड द इक्वल पॉजिटिव चार्ज. अब बात करते हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की. तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यू विल ऑब्जर्व कि मैग्नीशियम, इट इज़ मैग्नीशियम, इट इज़ हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड में जैसे जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन हैज़ टू नेगेटिव, तो ऑक्सीजन के पास अगर हम एक हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो अब क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर होता है वन पॉजिटिव, तो वन पॉजिटिव कैंसिल वन नेगेटिव, और इस वजह से अब इसके पास क्या बचा, नेगेटिव चार्ज बचा. दूसरा होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैज़ टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, वी डू द सिंपल मल्टीप्लिकेशन, देयर इज टू, देयर इज वन, एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस. और हम क्या देखेंगे, हमारे पास बनकर आएगा MgO2 OH2. ओके, दिस इज बिकॉज इट इज हाइड्रोक्साइड. ओके, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, लेट मी क्लियर इट. ओके, Mg2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल फॉर्म ओवर हियर. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. राइट हियर, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कंपाउंड प्रेजेंटेड बाय फ्लोइंग फार्मूलाज. ओके, तो हियर व्हाट वी रियली नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द एटम के विच एटम इज देयर. तो यहाँ पर है एल्युमिनियम, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एल्युमिनियम, और दिस इज सल्फेट, तो हम इसको लिख देंगे सल्फेट, सिंपल, इट इज द नेम. देन इट इज कैल्शियम, कैल्शियम, और दिस इज क्लोराइड, तो हम इसको लिख देंगे क्लोराइड. ओके, देन इट इज पोटेशियम, पोटेशियम,
और जैसा हम जानते हैं SO4, यहाँ भी SO4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सल्फेट। ओके, हेयर इट इज के, और ये क्या है, नाइट्रेट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, डन। अब यहाँ पर ये है कैल्शियम, इसे हम जानते हैं, और ये होता है हमारा कार्बोनेट, तो इसको हम बोल देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो अगर आपको जो क्लास में ग्रुप्स पढ़ाए गए हैं वो याद हैं तो आप बड़ी आसानी से इनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ओके, नाउ इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, कि केमिकल फॉर्मूले का क्या मतलब होता है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, उसी को ही हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से मतलब है कि उसके सिंबल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की बात कहीं पर हुई तो हम हमेशा यूज करते हैं O, ठीक। इसी तरीके से अगर कहीं पर हाइड्रोजन की बात होती है वी यूज जनरली H, ठीक। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन करता है आपसे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर कहीं पर पूछा जाए तो आप लिखोगे कार्बन H2। तो ये दीज आर द सिंबल्स, और ये क्या है, इनकी रिप्रेजेंटेशन है इनके कंपोजिशन की, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, राइट, हियर दिस इज टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, व्हेन कंबाइन विद वन एटम ऑफ ऑक्सीजन देन वन मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं एंड दे आर कंबाइनिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्मिंग। अब इसी को दिखाने के लिए हम हाइड्रोजन की जगह यूज करेंगे H2, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और दिस इज ऑक्सीजन, तो ये क्या है, ये सिंबल है ऑक्सीजन गैस का, एंड दिस इज द होल फॉर्मूला फॉर द वाटर, तो ये क्या है, हमारे पास वाटर का फॉर्मूला है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया, ये कहलाता है केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ वाटर, दैट्स इट। ये क्या हो गया हमारा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, तो इसी को बोलते हैं हम केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, जो क्या दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए केमिकल फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इट इज हियर हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड PO4-3-ion। आपको सिर्फ इतना बताना है, तो हमको क्लियरली बताया यहाँ पर कि H2S मॉलिक्यूल हैज टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वन एटम ऑफ द सल्फर, तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, देयर आर थ्री एटम्स, टोटल थ्री एटम्स आर प्रेजेंट। अब दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं PO4-3-, तो हम देखेंगे वहाँ पर हियर इट इज PO4-3-, तो इट हैज वन एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड द फोर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल हमारे पास एटम हो जाएंगे 5 एटम्स इन टोटल। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल और इन ए आयन। ओके, राइट हियर द कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, ये तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन कार्बन डाइऑक्साइड CH4 C2H6 C2H4 NH3 और CH3OH, तो हमको इसके मॉलिक्यूलर मासेस को बताना है। तो आपको एटॉमिक मासेस तो याद होगा, एटॉमिक मासेस, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक मासेस हम क्या करते थे, यहाँ पर मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करते थे। ओके, सो वी आर मूविंग टू दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो, इट हैज टू हाइड्रोजन एटम, तो वी राइट हियर टू इनटू एटॉमिक मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम, ठीक।
तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो इट हैज़ द एटॉमिक मास 1 एंड द एटॉमिक नंबर आल्सो 1। तो हम यहाँ पर मास से मतलब बात चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 1, तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट। तो अगर कोई पूछता है हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 2 यूनिट। ओके, सिमिलर अप्लाइड ऑन द मास ऑफ द ऑक्सीजन, तो हियर इट इज 2 बिकॉज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम एंड द एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन, और व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद द 16 बिकॉज द ऑक्सीजन हैज एटॉमिक मास 16, ऑक्सीजन एटम हैज द एटॉमिक मास 16, तो 2 एटम्स हैं और 2 ऑक्सीजन एटम्स का मास क्या हो जाएगा, 32 यूनिट। इस तरीके से ये हमारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द क्लोरीन, आई होप यू कैन डू इट बेटर टू ट्राई टू सॉल्व इट। देन हियर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन सॉल्व इट टू, हियर इट इज कार्बन एंड 4 ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास, और यहाँ पर आएगा बेटा प्लस, इसके C और 4 के बीच में आएगा प्लस, और ये 4 हैं हाइड्रोजन के एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और वी मल्टीप्लाई इट विद द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 12 होता है कार्बन का, हम पीछे भी बात कर रहे थे, प्लस 4 × 1 यूनिट, तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4, और हमको पता है यहाँ पर आ जाएगा 16, तो दैट इज़ वेरी इजी, वी कैन सॉल्व इट क्लियरली। ओके, द मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज C2H6, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, यहाँ पर जो होगा हमारे पास कितना है 6, तो ये इन्होंने फिर गलत कर दिया, तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आएगा 6 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 यूनिट। ओके, द मूव टू नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर आपको सिमिलर लगाना है और सॉल्व करना है, इस फॉर्मूले में फिर गलती हो गई थी, तो ठीक है आप इसे खुद सॉल्व करेंगे। और फिर बात करते हैं हम अमोनिया के केस में, तो अमोनिया के केस में भी क्या होगा, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ अमोनिया एटॉमिक मास ऑफ N नाइट्रोजन प्लस कितने एटम है हाइड्रोजन के, 3 × और यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और इसको हम ऐड कर देंगे और आंसर आएगा हमारा 17 क्लियरली। ओके, द नेक्स्ट वन CH3OH, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास डिफरेंट एटम्स हैं, तो हम उनको उन्हीं तरीके से रखेंगे और उनका आंसर आ जाएगा। नाउ हियर इट इज कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास, हियर इट यूनिट मास ZnO N2O K2O3, यानी कि जिंक ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड कार्बोनेट, गिवन एटॉमिक मासेस, तो जिंक का दे रखा है 65 यूनिट, सोडियम का दिया है 23 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट, और यहां पर हमारे पास कार्बन का 12 यूनिट एंड ऑक्सीजन 16 यूनिट। तो हम इसको तो जानते थे, हम इसको जानते थे, इसको जानते थे, एंड वी नो दिस टू, बट वी हैव टू फ्रेश एटम, सो हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, ओवर हियर द फॉर्मूला यूनिट मास, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO, तो हम जिंक का रखेंगे 65, ऑक्सीजन का 16, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81। सिमिलर अप्लाइड ऑन दीज, हम इन दोनों का रखेंगे 2 × 30 प्लस 23 प्लस 16, और हमारा मास यहाँ पर निकल आएगा। सिमिलरली K2CO3 का निकाल लेंगे, और वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी। ओके, द नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव राइट नाउ, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, ओके, व्हाट इज मास इन ग्राम ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 1 मोल, we know 1 mole of carbon equal to कितना होता है 12 ग्राम के, because जो भी उसका मास होगा, जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, that will be its 1 mole equal to the 1 mole, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। ओके, what is the mass in 1 gram of
वन एटम ऑफ कार्बन, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि उसके अंदर जो एक एटम है, सिंगल एक एटम है, उसका ग्राम में मास कितना आएगा। वन मोल से मतलब होता है कितना, 12 ग्राम। ओके, और वन मोल के अंदर कितने कार्बन एटम कंटेन करते हैं, 6.022 × 10³ एटम्स, क्लियरली एटम्स। ओके, अब ये 62.022 × 10³ एटम का टोटल मास कितना हो गया हमारे पास, 12 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको किसी एक एटम का निकालना है, तो हम कुछ नहीं करने वाले यहाँ पर, बस वन एटम ऑफ द कार्बन बे और इस 12 ग्राम को डिवाइड कर देंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स का ये है। और जब हम डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मास आता है 1.99 × 10³ - 23 ग्राम, एंड इट इज द मास ऑफ द वन एंड ओनली एटम ऑफ कार्बन। ये किसी एक कार्बन एटम का मास है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि किसके पास मोर नंबर ऑफ एटम्स हैं। 100 ग्राम ऑफ सोडियम, अगर आपके पास 100 ग्राम ऑफ सोडियम हो, और 100 ग्राम ऑफ आयरन, या फिर आपके पास 100 ग्राम ऑफ आयरन हो, तो इसमें एक बेसिक चीज़ याद रखना, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ मास, ठीक, जिसका मास ज़्यादा होगा। और अगर आपको ये चीज़ ग्राम में बराबर दे रखी हो, ठीक, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके एटम कम होंगे। ठीक, तो हम इसको मोल निकाल के देखते हैं पहले। अब मोल से तो हमको पता है कि अगर जिसके मोल ज़्यादा, उसके भी नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, हमको पता है सोडियम, सोडियम के भी 100 ग्राम है, और इसका एटॉमिक मास दे रखा है 23। हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4.34 मोल्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe, तो अब Fe के अंदर भी 100 ग्राम दिए हैं, डिवाइड करेंगे 56 से, तो हम देखते हैं नंबर आता है 1.79 मोल्स। ओके, इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इसके मोल्स ज़्यादा हैं। अब मोल्स के, अगर मोल्स ज़्यादा हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, ज़्यादा। दैट्स वाई, सिंस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मोर देन द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, देयरफोर 100 ग्राम सोडियम कंटेंट्स मोर नंबर ऑफ एटम्स। इट इज क्लियर हियर, तो इट इज़ वेरी इजीएस्ट वन क्वेश्चन, जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप देखकर भी उसका आंसर बता सकते हैं। ओके, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन, दैट विल बी इंटरेस्टिंग दिस टाइम। ओके, हियर इट इज, यू हैव 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन। ओके, फाउंड बाय एनालिसिस, जब आप एनालाइज करते हो तो पता चलता है इट कंटेन्स 0.096 ग्राम बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑक्सीजन। कैन आई कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन बताएं। अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो बोरोन की, तो हम क्या करेंगे, मास रखेंगे बोरोन का ऊपर और उसे डिवाइड कर देंगे मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि टोटल जो भी मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे। परसेंटेज के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो हमको कुछ नहीं करना, हमको ये टोटल मास लेना है और इसका ये जो होगा 0.096 को डिवाइड करेंगे 0.24 से और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर हमारा आंसर आता है 40 ग्राम। अब ये तो 40 ग्राम आ गया, तो दूसरा क्या था हमारे पास, सिर्फ ऑक्सीजन था, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन टोटल क्या होता है, परसेंटेज 100 होती है, तो 100 में क्या करेंगे, बोरोन को घटा देंगे। और जब हम बोरोन की परसेंटेज को घटाएंगे तो आंसर विल बी 60%। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास बोरोन की परसेंटेज थी 40% एंड राइट नाउ द ऑक्सीजन हैज द परसेंटेज 60%। आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कम्प्लीटली सॉल्व्ड। तो ये प्रॉब्लम थी और हमने इसे बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर लिया है। द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी परस्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो राइट नाउ राइट हियर दिस वीडियो इज ओवर और वी
try to solve the next question in the next video. Thank you very much for being the part of this video and God bless you, all the very best. Aap question solve karne ki koshish karna, some of the problems I'll send you and the one of problem I'm giving you right now. So here what is 3.0 gram carbon is burnt, yani ki yahan par hamare paas 0.3 gram carbon hai jise hum burn kar rahe hain in oxygen, kitni 8 gram oxygen ke andar, to hum kya dekhenge 11 gram carbon dioxide is formed, yani ki iske andar 11 gram carbon dioxide form hoti hai. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, yani ki aap amount similar rakh rahe ho dono cases mein aur is bar jab aap jala rahe ho kitni mein 50 gram oxygen ki presence mein, to pooch rahe hain ki kitna carbon dioxide form hogi ye batana hai. Aur which law of chemical combination will govern your answer, yani ki aapka answer kaun sa law govern karega. I solved this question in class, so I also given this question in examination, I think. So try to solve this question and give me the answer. Okay, I expected that everyone solve this question and you will send it to me. Okay, God bless you. All the very best. Thank you very much.